जिला कांगड़ा के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन बैजनाथ पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने बैजनाथ को करोड़ों रुपए की सौगातें देते हुए कई योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। सीएम ने बैजनाथ में कहा कि पठानकोट मंडी 4 लेन का मामला केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठाया है। जिला कांगड़ा के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन बैजनाथ पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने बैजनाथ को करोड़ों रुपए की सौगातें देते हुए कई योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। सीएम ने बैजनाथ में कहा कि पठानकोट मंडी 4 लेन का मामला केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठाया है। बैजनाथ के मेला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हाल ही में 4 लेन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विभाग को आदेश दिए हैं कि भूमि अधिग्रहण व टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए, जिससे कि इसका कार्य शुरू हो पाएगा। सीएम ने कहा कि छोटे से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जा रही हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल में 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जबकि 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इसके अतिरिक्त पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के प्रयासों में एम्स हिमाचल को मिला है। सीएम ने कहा कि कैंसर जैसी बीमारी के टेस्ट के लिए प्रदेश से बाहर चंडीगढ़ जाना पड़ता था, ऐसे में सरकार टीएमसी में इस मशीन को स्थापित करने पर विचार कर रही है, जिससे कि इस बीमारी के मरीजों को टेस्ट के लिए हिमाचल से बाहर ना जाना पड़े। सीएम ने बैजनाथ में 3,767.89 लाख रुपए की भूमि पूजन और शिलान्यास तथा 837.95 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। सीएम ने इस दौरान बैजनाथ के शीतला चौक में 325.90 लाख रुपए की लागत से शीतला से सकड़ी सड़क के सुधारीकरण का भूमि पूजन, 351 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली पेयजल योजना नोहरा चिकोल का शिलान्यास किया। सीएम ने सकड़ी में 952.25 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय आईटीआई भवन का शिलान्यास, धानक में 688 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पेयजल योजना दानक का शिलान्यास किया। पपरोला स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज में 837.95 लाख रुपए की लागत से बने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जेरियाट्रिक केयर को जनता को समर्पित किया। 303 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पेयजल योजना टिकरी सगूर का शिलान्यास और रक्कड़ मिसरेना में जल जीवन मिशन के तहत 1107.74 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पेयजल योजना रक्कड़ मजरेना का शिलान्यास किया। और यहाँ पर हमारा टैंडन मेडिकल कॉलेज जो है वो बिल्कुल आईजीएमसी के बराबर का कॉलेज हो गया, हालांकि बाद में खुला, लेकिन उसके बावजूद बहुत जिसको बोल सकते खास करके ग्रोथ कोई कॉलेज किया है, मेडिकल कॉलेज किया, टैंडन मेडिकल कॉलेज किया है। और हमारे लिए खुशी की बात है, हिमाचल छोटा सा प्रदेश और छोटे से प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज, 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और उसके साथ साथ में एक हमारे लिए एम्स ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है, जो जय प्रकाश नड्डा जब स्वास्थ्य मंत्री थे आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी थे, बहुत तेजी से उसका काम चल रहा है बिलासपुर। और जहां सुपर स्पेशलिटी टांडा मेडिकल कॉलेज में सभी विभागों में शुरू हो गई, और यहां पर जो एक बहुत हम एक बात देख रहे, एक बार हम देखने के लिए गए तो मालूम पड़ा कि एक मशीन जो हमने वहां पर लगानी है उसके लिए बहुत जरूरी है, उसकी सुविधा वहां पर प्रदान करनी चाहिए। लगभग 25 करोड़ की लगभग वो हमारी वो मशीन थी वहां पर, जो कैंसर के इलाज इलाज के लिए लीनियर एक्सीलेटर जो है वो उसको वहां पर शुरू कर दिया। और आने वाले समय में हम जो है वो जो हमारे कैंसर की बीमारी के लिए जो पैट स्कैन होता है उसके बारे में भी विचार कर रहे हैं कि हम टाटा मेडिकल कॉलेज में जो है, क्योंकि उस एक टेस्ट के लिए हम हिमाचल छोड़ करके हमको कहाँ जाना पड़ता है, चंडीगढ़ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है इलाज के लिए। और इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है ये सारी चीजें, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इन सारी चीजों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में हम अच्छा जो है अच्छी सुविधाएं दे सकें। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ आपके बीच में कि हमारा जो मंडी से पठानकोट का जो हमारा 4 लेन का अभी हाल ही हमारी मीटिंग थी नितिन गडकरी जी के साथ, मिनिस्टर के साथ, केंद्रीय मंत्री के साथ, तो उनके साथ हमने जो पठानकोट के और ये मंडी पठानकोट का जो 4 लेन का काम है इसका काम करने के लिए भी हमने कहा उसको जल्दी से शुरू करना चाहिए। और हमने विभाग को आदेश दे दिए हैं और विभाग इस पे कार्यवाही के लिए आगे बढ़ रहा है तेज गति से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी इसकी जो है वो
लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद और उसके बाद जो है इसका टेंडर की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इसका काम हम शुरू करने की स्थिति में हो पाएंगे, ताकि जो हमारा यहाँ ये सड़क जो है खुली चार लेन वाली फोर लेन वाली सड़क जो है यहाँ पर बन करके जब तैयार होगी तो हमको बहुत उसमें सुविधा मिलेगी।